हेलो, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ आपका अपना भाई नितेश साक्या। आपको पता है हमारे देश में आज भी लोग भूखे सोते हैं, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। स्टेशनों पर जाओगे तो आपको भूखे सोते हुए मिलेंगे, बस स्टैंड पर जाओगे तो भूखे सोते हुए मिलेंगे। कई लोग हैं जिन्हें छतें भी नसीब नहीं होती हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक रोटी भी नसीब नहीं होती है, और हम लोग उस रोटी की कीमत नहीं समझ रहे। आज भी मैं देखता हूँ ना, लोग रोटी की कदर नहीं कर रहे। जिन्हें रोटी नसीब नहीं है वो तो समझ रहे हैं, जिन्हें नसीब है वो कदर नहीं कर रहे। लोग खाने को वेस्ट कर रहे हैं, पर हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, आपको ये चीज़ें पता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें कि कैसे शुरुआत होती है। जो आप रोटी खाते हैं ना, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से क्या होता है, आइए हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। अभी मैं आपके पास जो खड़ा हूँ, मैं गेहूँ के खेत के सामने खड़ा हूँ, और ये जो गेहूँ है वो लगभग तैयार होने में होने वाला है, 1 महीने का हो चुका है। और इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये दिसंबर के माह में बोया जाता है, नवंबर से दिसंबर के माह में बोया जाता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि गेहूं की पैदावार जो है ना वो एक सर्दी का मौसम चाहती है, और जितनी ज़्यादा सर्दी होगी स्टार्टिंग गेहूं उतना ही अच्छा निकलता है, मैंने ऐसा सुना है। मैं हालांकि खेती नहीं करता हूं, चीज़ें पता है क्योंकि माई फादर इज अ फार्मर, तो ये चीज़ें मुझे पता है, देखता रहता हूं। तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है, जैसे कि खेत की जुताई करनी पड़ती है, और जब खेत की जुताई होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, गेहूँ को बुवाई होती है। जब बुवाई होती है उसके बाद से कुछ दिनों बाद, 8-9 दिनों बाद, उसमें छोटे छोटे से अंकुर निकलना शुरू करते हैं। पौधे जैसे हम लोगों के पौधे में निकलते हैं, वैसे यहाँ भी शुरू होता है, और उसको रखाना पड़ता है पक्षियों से, कीड़ों से, और धीरे धीरे ये जब बड़ा होने लगता है तो फिर इसमें पानी लगाना पड़ता है। मतलब ये अभी आप देख रहे हो, ये 1.5 से 2 महीने का हो चुका है ये गेहूँ, ज़रा पास लाइएगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बाली भी आ चुकी है। कई सारी चीज़ें होती हैं, किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ आपको पता है जानवर आते हैं, वो जानवर उनको खा लेते हैं। तो किसान भाई, मैं मानता हूँ इस देश में अगर 2 लोग हैं ना जो रियल मेहनत करते हैं, हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और एक हमारे किसान भाई जो आपको अन्न देता है, तो अगर ये लोग कहीं भी आपको देखे ना तो इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए किसान है, किसान आदमी बहुत मेहनत करता है। कहते हैं ना, खेती एक कहावत है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, खेती मरने भी नहीं देती और खेती भूखा भी नहीं सोने देती है। किसान आदमी अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाता है, वो बस अपना पेट भर लेता है, और इससे ज़्यादा वो अपने कभी सोचे कि मैं अपने कपड़े भी ले लूँ, नहीं ले पाता है। आए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अभी गेहूँ पकने वाला है, कुछ समय बाद ये पक जाएगा, इसमें पीली पीली बाली आने लगेगी, फिर इसको किसान भाई बुवाई क्या कहते हैं कटाई करना इसकी शुरू करते हैं। कटाई के साथ लगभग ये 5 बीघा का खेत है, ज़रा आप थोड़ा दिखाइएगा सुशील सक्या जी, ये 5 बीघा का खेत है, शाम का टाइम है। तो इसके बाद क्या होता है, इसकी कटाई करना शुरू करते हैं। कटाई करने के साथ जिस तरह से धान की कटाई होती है उस तरह से हमारे गेहूं की खेत की कटाई होती है। कटाई के बाद इसका क्या प्रोसेस है, कटाई करने के बाद इसको खेत में इकट्ठा किया जाता है। जब ये पक जाता है, इसकी जो बालियां हैं ये पीली पड़ जाती हैं, जैसे कोई पत्ता सूख जाता है किसी पेड़ का, उसी तरह से ये भी हो जाता है। गर्मियों के माह में इसकी कटाई होती है, आई थिंक मई की तरफ होती है। उसके बाद ट्रैक्टर प्लस थ्रेसर, इसमें एक थ्रेसर इसके साथ लगाया जाता है, ट्रैक्टर के साथ। जनरली लोगों ने देखा होगा, मैं जिन लोगों को पता है उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शहरों में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता ये चीज़, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग हैं, नहीं पता है। मैं उनको आज ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं किस तरह से जो हम रोटी खा रहे हैं कैसे आती है। उसे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिर थ्रेसर से इसको क्या कहते हैं खदाई करते हैं, खदाई के साथ इसमें से भूसा प्राप्त होता है जो हमारे जानवरों के लिए हो जाता है, जैसे जनरली भैंस खाती है, काफ़ी जन भैंस खाती है, गाय माता जी हमारी खाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें से गेहूँ निकलना शुरू होता है। थ्रेसर के बाद हमें गेहूँ मिल जाता है, गेहूँ हम अपना बोरे में भरकर घर ले जाते हैं। किसान भाई जितना किसान भाई को खाना होता है वो गेहूँ अपने पास रख लेते हैं, और जो उनका एक्स्ट्रा गेहूँ होता है वो सब अपना दे देते हैं हम सब लोगों के लिए, जिससे हमारे देश में भुखमरी ना आए। और पता है एक किसान आदमी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे सही रेट नहीं मिलता, ये गेहूँ कितने रुपये खरीदे जाता है, 12-13 रुपये किलो खरीदा जाता है किसान भाई से। और हम शहरों में आटा खरीदने जाते हैं तो हमें कितने रुपये किलो मिलता है, 25 रुपये किलो, नाम क्या देते हैं, आशीर्वाद आटा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कहीं किसी ऐसे शहर के आसपास रहते हैं, अगर आपके आसपास खेत हैं या किसान भाई हैं, तो उन लोगों से जाके डायरेक्ट आप गेहूँ खरीदें और खुद चक्की से पिसवाएं, वो शुद्ध आटा माना जाएगा। आप जो ये खरीद के खा रहे हैं, नहीं कोई भी कंपनी सर्टिफाइड, मतलब मानता हूँ सर्टिफिकेशन तो है सबके पास, शुद्धता नहीं देती है, मिलावट सब करती हैं। तो गेहूँ से काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्रोसेस है गेहूं का, मैं अभी शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूं। जनरली हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हम आपको आगे भी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को देखा। तब तक के लिए बाय बाय।